वो गर्म जोशी से मिलने वाला मासूम सा दिखने वाला शख्स, वो जो अपने मार्क्सवादी विश्वास में गांधीवादी तत्व लिए जीता रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार की जिसे बड़े बड़े लेखकों एवं विद्वानों ने आज के युग के प्रेमचंद की उपाधि से नवाजा है और जिसे हम सब जानते हैं भीष्म साहनी के नाम से। श्री भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी में एक व्यावसायिक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। भीष्म जी की प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई। मेरा बचपन रावलपिंडी शहर में बीता, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। छोटा सा हमारा परिवार था, पिताजी, माता, मेरे बड़े भाई और उनसे भी बड़ी दो बहनें। यूँ तो परिवार बड़ा होता, लेकिन मेरी तीन बहनें मेरी जन्म से पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। स्कूल में पढ़ने गए, एक आर्य स्कूल था और वो अलग किस्म का था। वहाँ शिक्षा का माध्यम उर्दू था, मैं उर्दू पढ़ने लगा। लेकिन पिताजी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, इसलिए वो बहुत चाहते थे कि हम हिंदी और संस्कृत पढ़ें। गुरुकुल में भी हिंदी संस्कृत पढ़ते रहे थे, तो इसलिए एक पंडित जी हमें घर पर पढ़ाने आते। स्कूल की शिक्षा तो उर्दू के माध्यम से थी, घर पर हम हिंदी और संस्कृत पढ़ते रहे और ये बहुत दिन तक चलता रहा। स्कूल के दिनों में ही मुझे थोड़ा बहुत लिखने का शौक पैदा हो गया था। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैंने अपनी पहली कहानी लिखी जो कॉलेज की पत्रिका में छप गई। इससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला और फिर जब मैं लाहौर पढ़ने गया तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत लिखता रहा और वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज की पत्रिका रावी में वो चीज़ें छपती रहीं। जब 1947 में रावलपिंडी में दंगे फूट पड़े तो हजारों शरणार्थियों के साथ भीष्म जी का परिवार भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तब आपने शरणार्थियों के लिए राहत कार्य किया और 1950 में आप दिल्ली में बसने के बाद दिल्ली कॉलेज में, जो अब जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी के प्रवक्ता बन गए। भीष्म जी अपने परिवार जन एवं मित्रों के अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने भी सभी को यथोचित सम्मान एवं प्रेम किया। भीष्म जी हमारी बड़े भाई भी जैसे लगते थे, बाप की तरह भी कभी ट्रीट करते थे, माँ की तरह भी वो हमें लेते थे, बिकॉज वी डिडंट हैव ए मदर। तो यहाँ तक कि हमारे बाल बाल भी बना देते थे वो, और कोई चीज़ की हमें ज़रूरत हो तो हम बजाय अपने पिताजी के हम इनको ख़त लिखती थी। ये कभी लाहौर में होते थे तो हमें, जब ये लाहौर से हमें कोई चीज़ चाहिए हो, पैसे ज़रूरत हो, तो ये 10 रुपए के नोट को एक किश्ती की शेप में उसको मोड़ के वो हमें भेजते थे। उसमें भी एक बड़ा मज़ा था। मुझे वो दिन याद है जब भीष्म मामा जी सुबह कोई 5-6 बजे सोशल वर्क के लिए निकले, अपनी हमारी गली से निकल ही रहे थे कि एक मॉब आया उनको अटैक करने के लिए, छुरे लेके उनको बिल्कुल मारने लगे थे, लेकिन हमारे धोबी ने उनको बचाया। उन्होंने बोला, तुम बेवकूफ लोगों, तुम क्या कर रहे हो, ये तो अपने भीष्म मामा जी, हमारे प्रोफेसर साहब हैं। पता नहीं किस तरह से उनकी जान बची, लेकिन वो कभी परवाह नहीं करते थे। भीष्म मामा जी, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तो हमको गुलमर्ग ले गए थे। गुलमर्ग में मैं उनके साथ सोती थी, वही जो बच्चे जो
करते हैं, उनका बिस्तर भी गीला कर देती थी, सारा कुछ कर देती थी, लेकिन कभी उन्होंने कभी मेरा ख्याल है डांटा भी नहीं, कभी उन्होंने शिकन मुंह पर नहीं आने दी। और हमको उन्होंने एक बचपन में गाना और डांस सिखाया था, तीनों बहनें हम करती थी, वो था नंद के छैल ने, नंद के छैल ने मोसो प्रीत लगाई, प्रीत लगाई पछ पछताई। ये बड़ा लंबा गाना है, ये हमको डांस के तौर पर सिखाया करते थे। भीष्म जी एक पिता समान थे हमारे लिए, और जितनी वो वामत देते थे हमको, उसके लिए हम हमेशा उनसे मिलने जाते थे, उनके साथ घूमते थे, उनके साथ खाते थे, पीते थे, बहुत कुछ करते थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना गर्म जोशी वाला था, जैसे कि पिता समझ लीजिए या समझिए आके गर्म रजाई आपके ऊपर पड़ती है, एक सहारे की रजाई है आपकी। उनको वो गजलिए भी मैंने देखा है जाते हुए कपड़े के, मुझे अभी तक मेरे कानों में जो गूंजता है वो भीष्म जी घोड़े की सवारी कर रहे हैं, और जो पंजाबी और कुछ कश्मीरी के भी जो टप्पे थे वो गा रहे हैं, दो पत्थर अंगारा दे सड़ है जिंदगी जा गए देर अंगारा दे। वो भाई जैसे ही थे, भाई भी थे पिता भी थे। शुरू के दिनों में तो बहुत मुश्किल था क्योंकि पार्टीशन हो गई थी और सारा परिवार इधर उधर हो गया था, मेरी माँ को भी बहुत मुश्किल थी, हमें पता नहीं था भीष्म जी हैं कहाँ पे। और इसलिए ज़्यादातर मुझे पहले सालों का तो ज़्यादा मेरी माँ के साथ मुझे याद है, पर बाद में तो भीष्म जी तो थे ही, और हमारा मेरा ख्याल है परिवार आम परिवार जैसा था। मेरी पहली यादें पिताजी के साथ जुड़ी हुई हैं मॉस्को के वक्त की, जब मैं बहुत छोटा था और पिताजी उस वक्त मॉस्को में प्रोग्रेस पब्लिशर्स के साथ काम करते थे, अनुवाद वो अनुवाद कर रहे थे टॉल्स्टॉय की नॉवेल्स को, तो मैं काफ़ी शरारती था, और मुझे याद है पिताजी तो वहाँ घर में बैठे लिखते रहते थे, अनुवाद करते थे, तो मेरे फेवरेट एक गेम थी कि जब वो लिख रहे होते मैं पीछे से आकर उनकी कोहनी को धक्का मारता और ऐसा धक्का मारता कि उनकी जो कलम थी वो बिल्कुल उनके पेज के मतलब थ्रू उनका पेज रुइन हो जाता। और मुझे अभी आश्चर्य की ये बात है कि व्हेन आई लुक बैक आई एम अमेज्ड कि माय फादर वाज नेवर एंग्री विद मी, यू नो, वो हमेशा पीछे देख के हंसते थे, अरे वरुण, और वो गोदी में ले लेते थे और प्यार करते थे मुझे। माय फादर वाज अ वेरी लविंग और वेरी पेशेंट मैन, जैसे कि कहा जाता है कि भाई लेखक ऐसे लोग होते हैं कि बड़ी इंटेंसली कॉन्सेंट्रेट करते हैं और थोड़ा टेम्परमेंटल से लोग होते हैं, यू नो दे डोंट लाइक यू नो डिस्टर्बेंस, उस किस्म के मेरे फादर बिल्कुल नहीं थे। ही वॉज इन फैक्ट काम करने वक्त तो वो योगी थे। दादा मतलब आई मीन ही वॉज मोर लाइक अ फ्रेंड, मोर लाइक यू नो अ फ्रेंड टू मी देन अ दादा। अपनी कहानियों में आपने विभाजन की त्रासदी, मानवीय मूल्यों के ह्रास, कला साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप और निम्न एवं मध्यम वर्गीय चरित्र को उसकी जीवंतता में चित्रित किया है। भीष्म जी एक उपन्यासकार के रूप में भी अत्यंत सफल रहे। उनके प्रकाशित उपन्यास हैं झरोखे 1967, कड़ियां 1971, तमस 1974, बसंती 1979, मैया दास की माड़ी 1987, कुंतो 1993 और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। झरोखे एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। भीष्म जी एक कुशल नाटककार भी थे। आपके प्रकाशित नाटक हैं हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। हानूश एक मानवीय स्थिति के मध्ययुगीन परिप्रेक्ष्य पर तीखी टिप्पणी है। मुआवजे नाटक मैंने मूल रूप में पंजाबी भाषा में लिखा था, और बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नियमानुसार
मैंने उसे हिंदी में रूपांतरित किया। मार खाने का ताला टूटा पड़ा और बक्सा गायब। जनाब 5 लाख रुपए की चोरी हो गई और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। तुम्हारे अपने मार खाने में डकैती, पुलिस थाने में डकैती, जानते हो इसका क्या मतलब है? बुलाओ थानेदार को फौरन। देखो जी बलवान की करनी कमिश्नर साहब, आप तो सारे शहर की रखवाली करो जी, और इधर आपके अपने घर में सेंध लगी। तुम कौन हो? मैंने कह दिया कि पिछले मुआवजे नहीं मिलेंगे। गरीब नवाज, ये पुराने मुआवजे नहीं है। पुराने मुआवजे नहीं है? नहीं। तो नए दंगे हुए कहाँ हैं? ओ जी, परसों रात में हमारे काम में कई गुंडे घुसाए और हमारी छोरी का घराड़ा मारा गया जी। मेरा मतलब वो लड़की कहाँ है? वो तो जी अपने घराड़े की लाश ढूंढने जा रही है। और तुम लोग मुंह उठाए मेरे पास चले आए, पहले लाश ढूंढ कर लाओ। जनाब हम उसकी लाश बरामद करेंगे, पहले आप हमारी दरख्वास्त तो ले लीजिए, है जनाब? और उसके नाम की फाइल तो खुल जाए। उसका नाम दीनू था जनाब, दीनू रिक्शा वाला। शहर में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ है। अब जाओ यहां से। कमिश्नर साहब, अब फाइल तो आप खोलो। फाइल खोलो सर, खोलो। लाश के बगैर कोई मुआवजा नहीं मिल सकता। अब जाओ। कति ठीक का आपने, पर फाइल तो आप खोल दो जी, लाश हम ढूंढ लेंगे। बस मैंने कह दिया ना कि अब जाओ यहां से। यो तो कोई बात ना हुई जी, हमारे यहां तक कोई तो फायदा होता। हम मुआवजा लेंगे। श्री भीष्म साहनी अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध रहे, प्रदर्शनकारी कलाओं में आपकी गहरी रुचि रही। जब सफदर की याद में सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट सहमत का फॉर्मेशन हुआ तो भीष्म साहनी उसके ही वॉज वन ऑफ द ट्रस्टीज, और उसके बाद फिर लगातार 15 साल में सहमत में रही तो भीष्म जी से इंटरेक्शन होता रहा। सहमत का कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसमें वो हमेशा आगे आगे रहते थे, और बावजूद इसके कि इतने ज़्यादा वो बिज़ी रहते थे, उनकी लिखाई भी आखिरी वक्त तक चलती रही, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भीष्म जी से हम कहें कि आपको आना है या मीडिया से बात करनी है। सहमत के लिए उन्होंने हमेशा समय निकाला। बड़ा ज़बरदस्त योगदान है उनका इस तरीक में, क्योंकि हर अंजुमन में, हर जलसे में, हर जुलूस में वो मेरे साथ रहते थे यहाँ पे, और फिर उनकी लिखाई जारी थी, फिर वो कहानियाँ वानियाँ सामने आई, और फिर उनके नाटक भी सामने आए, तो जिससे उनकी एक जगह एक पहचान बनी। एक समालोचक के शब्दों में, सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद के वो अनुयायी थे, बतौर लेखक थे, लेकिन प्रेमचंद से भिन्न भी उन्होंने बहुत लिखा। ऐसी चीज़ें लिखी जो कि प्रेमचंद, जाहिर है वो अपने वक्त के पाबंद थे, नहीं लिख सकते थे। शरारत का मादा जो, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, वो भीष्म में बहुत ज़्यादा था। प्रेमचंद में भी ह्यूमर है लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा था। मुझे लगता है कि उनकी जो साहित्य, जो उनका है, जो भी उन्होंने रचा है, चाहे वो उपन्यास के माध्यम से हो या जो कहानी के माध्यम से हो, जो पात्र हैं, उन्होंने काफ़ी भोगा अपने परस्पर। वो मैं जहाँ तक अनुमान लगाता हूँ क्या उनकी प्रक्रिया रही है, लेकिन वो एक एक करेक्टर को सालों साल तक जो है वो तलाशते रहेंगे, तराशते रहेंगे, फिर जाके उन्होंने, और वही उनका इंसानी स्वरूप जो है वो आज भी जो है वो हमारे अंदर जो है अणु में कह सकते हैं शरीर के, वो जीवित है। नई कहानी आंदोलन के दौरान बहुत से कहानीकार हमारे सामने आए। भीष्म साहनी उनमें से एक ऐसे कथाकार थे जिन्होंने फैशन या प्रचलित मान्यताओं के दबाव में नहीं, बल्कि स्वयं अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से अपने समाज को देखने की और समझने की और सामने लाने की कोशिश की। प्रेमचंद की ही तरह भीष्म साहनी ने भी साधारण जीवन को अपना आधार बनाया है। उनकी बहुत नपी तुली भावनाएं होती थी, राय होती थी कहानियों पर, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हालांकि उनकी विचारधारा एक खास किस्म की थी, वो वहाँ पक्षी प्रगतिशील विचारधारा के पक्षधर थे,
लेकिन जहाँ तक कहानी की अच्छाई या बुराई का सवाल है, वो कलात्मक कसौटी पर ही उसको कसकर देखते थे। ये मुझे चीज़ बहुत ही उनकी अच्छी लगी, और ये बहुत कम उन लोगों में पाई जाती थी जो प्रगतिशीलता का झंडा लेकर बढ़ते थे। आपने एक अनुवादक के रूप में काम किया और रूसी से हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के अनुवाद किए। जो कृति मेरे दिल के सबसे करीब है वो उनकी एक, उसका उन्होंने अनुवाद करा मूल रूसी से हिंदी के अंदर, और इस किताब का नाम है पहला अध्यापक, और इसके लेखक किर्गिस्तान के बहुत ही मशहूर साहित्यकार चंगीज़ आइतमतोव है। और इस कृति को उन्होंने इतनी सहज सरल हिंदी में अनुवाद करा कि एक बार पढ़ो तो वो किताब रूह से सारी जिंदगी के लिए चिपक जाती है। भीष्म जी के संबंध अपने प्रकाशकों के साथ भी काफी मधुर रहे हैं। मैं भीष्म जी से उनकी आत्मकथा की पांडुलिपि लेने के लिए जब गया, ये उनकी मृत्यु से कोई 5-6 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने पांडुलिपि मुझे दी और कहा इसे जल्दी छाप देना, और अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा। और कुछ संयोग भी ऐसा हुआ कि उनकी आत्मकथा उनकी मृत्यु से कुछ ही समय पहले आ पाई, और बस हमें संतोष इस बात का है कि वो उसे देख पाए और देख करके खुश हुए। हर दृष्टि से उनका लेखन अच्छा ही कहता रहा, और जो लेखक हमारे पास छपे हैं उनसे उनकी पुस्तक भी काफ़ी अच्छी बिक्री भी अच्छी हुई है, और उनका पाठकों का रुझान भी अच्छा रहा है। लगता था उनके स्वास्थ्य से अभी तो वो रहेंगे, कुछ और भी हमारे पाठकों को कुछ और लिखेंगे, जो मेरे से भी अनुबंधित चीज़ें थी वो नहीं हो सकी। भीष्म साहनी हिंदी जगत के उन थोड़े से लेखकों में हैं जो सच्चे अर्थों में धर्म निरपेक्ष और प्रतिबद्ध हैं। बिना आक्रामक हुए भी कोई लेखक प्रतिबद्ध हो सकता है, इसकी सर्वोत्तम मिसाल भीष्म साहनी है। उनका जो एम्फेसिस था वो इस बात पे था कि सभी कम्युनिटीज में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होते हैं, जो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस तरह के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें और उनकी जो असली उनका जो असली मुद्दा है उसको पहचानें। और उनका वो मुद्दा कभी रिलीजियस नहीं रहता, उनका मुद्दा हमेशा राजनीतिक रहता है, किसी न किसी तरह से पावर हासिल करना रहता है या और कोई रहता है, लेकिन रिलीजियस नहीं हो रहता। वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। और जब भी ऐसा होता है आम आदमी मरता है। ये जो उनका जो टेक्स्ट था, जो सब टेक्स्ट था नॉवल का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो हिंदी के उन दुर्लभ लेखकों में से हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता पर और विभाजन की त्रासदी पर बहुत विश्वसनीय और वास्तविक अनुभव से भरपूर कथा साहित्य रचा है। वो जो चीज़ बोलते थे वो उनके बहुत तजर्बे से, उनके बहुत अंदर से, और जैसे लगता था कि वो इस पे यकीन करते हैं। उनका इतना ज़्यादा पारदर्शी उनका व्यक्तित्व था कि वो जो सोचते थे वो बोलते थे, जो बोलते थे वो लिखते थे, और उस पर वो चलते भी थे। और ख़ास कर मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी के लिए उनके दिल में बहुत सम्मान था। विभाजन को उतनी गहराई से देखने समझने के का पूरा मौका भीष्म साहनी जी के पास था, और उनकी समझ उनकी रचनाओं में नज़र आती है। लेकिन जो ख़ास बात है भीष्म साहनी जी के लेखन में कि उसकी उस पूरी त्रासदी का जो दुखद पहलू है वो सिर्फ दुखद पहलू हो कर रह जाए वो नहीं है, उसका एक पॉजिटिव पक्ष, उसका एक सकारात्मक पक्ष भी उनकी रचनाओं में नजर आता है। जब छोटा था तो टांगे पर भैया जी के साथ में गया था। भीष्म जी को एक सफल कथाकार, उपन्यासकार एवं कलाकार बनाने में उनकी धर्म पत्नी और परिवार जन का विशेष योगदान था। शीला जी उनकी कॉमरेड थी, उनकी पत्नी नहीं थी, है ना? तो इस तरह का दंपति मिलना बड़ा मुश्किल है,
हालांकि लेखक की तरह से मैं इस चीज़ को बहुत स्वस्थ नहीं मानता हूँ कि जब आप अपनी सारी कल्पनाएं और सारा कुछ आदर्श सब कुछ एक व्यक्ति से सीमित कर दें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो सदगृहस्थ होते हैं वो लेखक के रूप में बहुत दूर तक नहीं जा पाते। हम लोग किसी घर में बैठे थे, काफ़ी मजमा था और सब लोग अपने बातें कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि बराबर के कमरे से देखा तो भीष्म जी चले आ रहे हैं ऊपर के होठों पे ये माचिस की जली हुई तीली से मूछे बना रखी हैं, ऊपर सजे बजे बिल्कुल बाके नौजवान बने चले आ रहे हैं और श्री कृष्ण बने हुए बिल्कुल श्री कृष्ण बने चले आ रहे हैं। और क्या हाव भाव थे, क्या था कि उसके बाद उन्होंने और पीछे से देखा, अरे पीछे से राधा भी चली आ रही हैं। राधा कौन थी? ये हमारे जो सोम सुंदर आईने वाले, ये साड़ी लपेटे और घूंघट खींचे ये फिरकियाँ लेते चले आ रहे थे उनके पीछे सोम सुंदर। और जब ये आ गए तो शीला जी ने टप्पे गाना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी और उनकी पत्नी ने 15 साल तक काम किया एक ही दफ्तर में, तो पति के नाते बहुत तरह के, तो शीला जी उनकी पत्नी का नाम था, वो फ़ोन पे ही बताती रहती थी कि वहाँ ये फ्रिज में वो खाना रखा है, ये खा लेना तुम, लंच ये मैं रोटी खा लेना और दाल निकाल लेना और सब्जी शाम के लिए रहने देना। कोशिश उनकी रहती थी कि उनको किसी प्रकार का कष्ट न मिले। शीला जी पर जो उन्होंने लेख लिखा उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ, जिससे पता लगता है कि उनकी कितनी बीच में सघनता थी। शीला जी के बारे में मैं सोचूं तो उसका खिला खिला चेहरा और निखरा निखरा व्यक्तित्व आँखों के सामने उभरता है। जब वो घर के आंगन में कदम रखती वातावरण में स्निग्धता हँसी आ जाती थी। जिन दिनों वो रेडियो स्टेशन से काम करती थी बड़ी नाजुक तबीयत थी और हंसमुख थी। मेरे किसी मित्र से मिलती तो बड़े स्नेह से बड़ी आत्मीयता से बच्चों की तरह चहकने लगती। मुझे ऐसा भास होने लगता जैसे भगवान ने उन्हें शरीर तो इंसान का दिया है पर आत्मा किसी चहकते पक्षी की दी है। भीष्म जी को साहित्य सेवा के लिए अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया है, जैसे पंजाब सरकार भाषा विभाग का शिरोमणि लेखक पुरस्कार 1976, उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976, एफ्रो एशियाई राइटर्स एसोसिएशन का लोटस पुरस्कार 1980, उपन्यास बसंती के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का प्रेमचंद पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983, उपन्यास मैया दास की माड़ी के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि 1998, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण अलंकरण 1998, हिंदी अकादमी दिल्ली का शला का सम्मान 1999, मध्य प्रदेश सरकार का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। एक उत्कृष्ट भारतीय कथाकार और नाटककार के रूप में श्री भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी ने अपने सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्यता से विभूषित किया। आपने मुझे साहित्य अकादमी के फेलोशिप का सम्मान देकर जो गौरव प्रदान किया है मैं उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। साहित्य इंसान की किस्मत तो नहीं बदल सकता पर उसे अपनी किस्मत से जूझने की प्रेरणा जरूर दे सकता है। साहित्य मानव जाति के अंतःकरण की आवाज़ है, वो दबाए नहीं दब सकती। वो मर जाएगी तो इंसान भी मर जाएगा। जिन जीवनदायिनी तत्वों में उसका गहरा विश्वास है, जो न केवल साहित्य के बल्कि मानव जीवन के अवलंब हैं, भले ही उन पर कैसा ही आघात क्यों न हो, उनकी आवाज़ तो वो सदैव उठाता ही रहेगा।
धन्यवाद। मकान मुझे चाहिए। मेरा नाम सलीम मिर्जा है, मैं मुसलमान हूं। क्या आप भी देख सकता हूँ? शौक से। भीष्म जी ने प्रसिद्ध अभिनेता एवं लेखक और अपने बड़े भाई बलराज साहनी की जीवनी बलराज माय ब्रदर अंग्रेजी में लिखी है और इसमें वस्तुपरक ढंग से उनका मूल्यांकन किया है। भीष्म जी के मित्रों का मानना है कि भीष्म जी एक अच्छे लेखक होने के साथ साथ अच्छे अभिनेता भी थे। जब बंटवारे के बाद वो आए, अम्बाला में थे, नौकरी करते थे, उससे मालूम हुआ कि वो इप्टा से जुड़े हुए थे और नाटक करते थे, लेकिन लिखा नहीं था कोई नाटक। नाटकों में रोल करते थे, पहले भी करते थे, बाद में भी करते रहे, लेकिन नाटककार के रूप में वो बहुत देर से 1970 के बाद नाटककार के रूप में आए। तमस जो पार्टीशन पे उन्होंने नावल लिखा था और उसकी फिल्म बनी थी, उन्होंने एक रोल सरदार का कि सिख का, जो कि शिकार है उस पार्टीशन का, तो बहुत अच्छे थे उसमें, यानी इतने शरीफ आदमी थे वो। और उनसे मिलने से ऐसा पता लगता हम किसी संत महात्मा से मिले। पर उनको मैंने पाया कि उनमें स्टाइल भी था, उनका हेयर स्टाइल से लगता था, उनका जो हेयर स्टाइल उस पीरियड में मेंटेन करते थे, लंबे लंबे बाल और बड़े स्टाइल से उसको मेंटेन करते थे, मतलब शौकीन थे वो। He wanted to look good. Bhishan Sahni Sahib is like a documentary, as opposed to, you know, a fiction film, which occurs in our lives. But the face has a feeling of a kind of a documentary, and that was the reason for selecting your protagonist as documentary. And around him is tamasha, around him is fiction, around him is anarchy. And you have this documentary going through this whole process. क्या कर रहे हो ये तुम? ये मकान की हाल है। कसम छोड़ दो ना। ये हाल से सुन रहा हूँ। वही बात पर, सिर्फ वही बात पर मैं दिखाता हूँ। सुधीर, ये क्या सर? सुधीर, तमस भीष्म जी का बहुचर्चित उपन्यास है। आजादी के ठीक पहले पंजाब में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, इसमें उसी को कथा का आधार बनाया गया है। भीष्म एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनके पास एक अच्छे लेखक की निगाह थी, टटोलने की, चीजों को जांचने की, पड़तालने की, और पिछली सदी के पृष्ठभूमि को इतनी बारीकी से वो देखते चले गए और अपने आप को जरा सा पीछे रख के, हालांकि वो उसके एक पात्र थे, विभाजन के वक्त विस्थापित होकर यहाँ आए थे। उनके शब्द बहुत देर तक बहुत सी पीढ़ियों को कुछ ना कुछ बताते रहेंगे उस कालखंड के बारे में, जब एक साथ बहुत बड़ी घटनाएं घटित हुई, आज़ादी हुई, आज़ादी आई और उसके साथ ही बंटवारा भी, और उस वक्त को, उस कालखंड को जैसे उन्होंने तमस में प्रस्तुत किया, पेश किया, वो अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। दुकान लूट रहे हैं। Oh, yeah.
एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। सतनाम श्री वाहेगुरु। पर अफसोस, भीष्म साहनी यानी रोशनी की एक मीनार अपने तमाम दोस्तों और अहबाबों को तमस के हवाले छोड़कर 11 जुलाई 2003 को अपने आगे के सफर पर निकल गए। लेकिन उन्होंने जो मशाल जलाई है वो दुनिया में मौजूद तमस को आगे भी दूर करती रहेगी।